नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हैं और अपना अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। आगे बढ़ने से दोस्तों, क्या आपने मेरा चैनल कब तक तो सब्सक्राइब नहीं किया है? क्या कहा नहीं किया, इसी वक्त कर लीजिए दोस्तों, पैसा नहीं लगता इस काम का। सो दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम ये देखेंगे कि आप मेक्सिको का टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को अंदर जरूर देखिए दोस्तों। बस एक बात क्लियरफाई कर दूँ कि मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट या गवर्नमेंट बॉडी नहीं हूँ, तो अगर आप इस वीडियो से कुछ ले रहे हैं तो ड्रेस पर ले रहे हैं। तो दोस्तों, जब भी किसी देश के किसी भी तरह की वीज़ा अप्लाई करने की बात आती है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या आपको वाकई में वीज़ा चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी नेशनैलिटी, ड्यूरेशन, पर्पस या फिर बाकी जो कंट्रीज़ के वीज़ा आपके पास हैं उसके बेसिस पर शायद आपको ना चाहे, आपको नहीं चाहिए। ये चीज़ आपको पहले कंफर्म करना है। और फिर जहाँ तक प्रोसेस देखने की बात है कि कैसे करना है, तो जो भी उस देश की ऑफिशियल एंटिटी है, कॉन्सुलेट, मिशन, एम्बेसी, जो आपके रेजिडेंशियल एरिया को कवर करती हो, वहाँ पर जाकर रिक्वायरमेंट्स देखिए। क्योंकि आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब, आपके लोकेशन के हिसाब से कुछ एडिशनल स्टेप्स, कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, कुछ एडिशनल हो सकता है। तो आपके सामने मैंने न्यू दिल्ली में जो साइट खुली है वो ओपन की है। इसमें देखिए, मुंबई वालों के लिए एक अलग से उसमें लिंक दी हुई है कि जो लोग मुंबई में अपॉइंटमेंट ले रहे हैं उसमें जो लिंक है अलग है, ठीक है। और मुंबई, और अगर आप दिल्ली में कर रहे हो तो आपको RBL अकाउंट में पे करना है, और अगर आप दिल्ली मुंबई में कर रहे हो तो HDFC में करना है इंडिया में, ठीक है। अभी देखिए, यहाँ पे लिंक दी है कि UK, US, शेंजन वालों के लिए एक, अगर आपके पास है वीज़ा तो आपको नहीं चाहिए। यहाँ पर आप लिंक में जाके आप एक्सेप्शन देख सकते हो, ये उनकी लैंग्वेज में ओपन होगी, लेकिन आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके यहाँ से आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पे शेंजन और ये सब US, UK वालों के लिए दी गई कि अगर आप इन कंट्रीज़ का वीज़ा है तो इसको पढ़ के अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आपका सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अब प्रोसेस देखिए, फॉर्म दी गई है। पहले तो आपको ओरिजिनल पासपोर्ट और उसका क्लियर फोटो कॉपी चाहिए, फर्स्ट और लास्ट पेज का फॉर्म चाहिए। लीगल स्टे इन इंडिया, तो भाई आपके पास तो पासपोर्ट है, होगी। अगर आप दूसरे नेशनलिटी के तो वीज़ा दिखाइए। फोटोग्राफ चाहिए, उसकी स्पेसिफिकेशन दी है। आपको एम्प्लॉयर की लेटर चाहिए, अगर आप एम्प्लॉयड हो कि हाँ भाई इस दिन आप ज्वाइन करो, मतलब एक तरह से लीव लेटर कह लीजिए, ठीक है। पिछले 3 महीने की पे स्लिप चाहिए। पर्सनल कवर लेटर, जिसमें बताना है कि कैसे क्या करना है, मतलब पूरी डिटेल्स देनी है अपनी, एक्सप्लेन करना है। पर्सनल बैंक स्टेटमेंट है, स्टैम्प लेंथ साइन करनी है, वो पिछले 3 महीने के सर्टिफाइड होनी चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो उनका अलग से। अब देखिए, इंडिया के लोकेशन के हिसाब से आपको ITR मांगी जा रही है, फॉर्म 16, जो कि आपको ये सर्टिफाई करते हैं। वीज़ा फ़ी वहाँ पे दी गई है, इसको पे कैसे करना हम ये भी देखेंगे, और बाकी कुछ कंडीशंस के लिए, जैसे माइनर के लिए, स्पाउसेस के लिए। ये फॉर्म दी गई, देखिए ऊपर में न्यू दिल्ली लिखा हुआ है। रेफरेंस नंबर, ऑफिस यूज़, ये सब छोड़ दीजिए। पहले सेक्शन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, और पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन देनी है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसमें कुछ भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको अपना एड्रेस, फिर मेटल स्टेटस, ये सब देना है। थर्ड में पर्पस और इन्फॉर्मेशन, क्या वहाँ क्यों जाना चाहते हो, ये सब आपको वहाँ पे देना है। उसके बाद फिर आपको अपने जो जो डॉक्यूमेंट्स अटैच किए उसको वहाँ से चेकलिस्ट में के सब जो डॉक्यूमेंट है वो डालना है, और फिर वहाँ पे साइन करना है। अब अपॉइंटमेंट बुक करना है, ये फ्री होता है। तो अनफॉर्चुनेटली ये लिंक आज थोड़ी डाउन है, मैं मतलब ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, बट इस पे जाकर आप वहाँ पे देख सकते हो। और ये फ़ी है, अभी इस महीने के लिए उन्होंने फ़ी दी है इतनी। आपको एग्जैक्ट अमाउंट ऑनलाइन आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, हाँ, लेकिन उसकी रिसीट चाहिए होगा, वो देखिए वहाँ पर नीचे लिखा भी हुआ है। उसके बाद जब आपको अपॉइंटमेंट है, वो लेते जाइए सारे डॉक्यूमेंट और पेमेंट रिसिप्ट, और वहाँ पर आपकी डॉक्यूमेंट अगर सब ठीक ठाक निकले, सबमिट हो गए, और अगर वीज़ा ग्रांट हो गया तो आप गुड टू गो हैं। तो इस तरह से किया जा सकता है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपका जो भी फीडबैक होगा, अच्छा बुरा चाहे जो भी, मुझे जरूर बताइएगा। मुझे उनका बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। वीडियो देखने का धन्यवाद दोस्तों। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही आगे जाना है। धन्यवाद।